इस वक्त आपको बता दें, रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। ट्रेन से राहुल गांधी बिलासपुर से वापस रायपुर लौटे हैं। राहुल गांधी रायपुर लौटे हैं ट्रेन से, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, तस्वीरें आपके सामने। ट्रेन में यात्रियों से भी बातचीत की राहुल गांधी ने, ट्रेन में यात्रियों से भी राहुल गांधी रूबरू हुए। तो बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आपको बता रहे हैं। आवास न्याय सम्मेलन में शामिल होने के लिए बिलासपुर पहुंचे थे राहुल गांधी, और ट्रेन से होते हुए राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर पहुंचने पर किस तरह की भीड़ स्टेशन परिसर में लगी, उनके कार्यकर्ताओं ने किस तरह से स्वागत करने के लिए होड़ लगाई, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो एक तस्वीर हम आपको बिलासपुर से दिखा रहे हैं, जब इस ट्रेन में सवार होने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी और रायपुर रवाना वहां से हुए। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये रायपुर की तस्वीर है जब राहुल गांधी रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। बिलासपुर से ट्रेन से लौटे हैं राहुल गांधी। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, ट्रेन में यात्रियों से भी रूबरू हुए राहुल गांधी, ऐसी खबर है। और काफी भीड़ लग गई थी उनके समर्थकों की, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता थे अपने नेता की झलक पाने के लिए रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। काफी सिक्योरिटी भी यहां पर तैनात करनी पड़ी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जुड़े हैं। मोहन, राहुल गांधी ट्रेन मार्ग से होते हुए रायपुर पहुंचे हैं, क्या जानकारी, क्या अभी भी स्टेशन में है और आगे क्या कार्यक्रम निर्धारित है? देखिए, राहुल गांधी की वापसी करीब 8 बजे के बाद होनी है और राहुल गांधी अब कुछ ही देर में यहाँ रायपुर पहुंचे हैं। और जैसा कि पहले से ये बताया जा रहा था कि राहुल गांधी लोगों से ज्यादा मिलना चाहते हैं, तो जो वो लोगों से कनेक्ट होने की एक मुहिम सी चला रखे हैं जिसमें अलग अलग वर्ग के लोगों से उनकी मुलाकात का सिलसिला जारी है, उसी में वो छत्तीसगढ़ में रायपुर से बिलासपुर पहले ट्रेन से जाना चाहते थे, पर संयोग ऐसा बना मौसम और बाकी चीजों के चलते वो यहाँ से तो ट्रेन में नहीं गए, लेकिन बिलासपुर के कार्यक्रम के बाद उनके ट्रेन से वापसी का कार्यक्रम बनाया गया। इस पूरे दौरान वो लोगों से बात करते रहे, उनसे इंटरेक्शन करने की कोशिश की, उनकी कोशिश जो है वो लोगों को समझने की है, लोगों को मन में क्या चल रहा है ये वो जानना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये पैटर्न अपनाया है और लोगों से प्रत्यक्ष संवाद करने की वो कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में आज रेलवे मार्ग से वो वापस रायपुर आए हैं, तो न केवल रेल के डिब्बे में, स्टेशन में, जगह जगह उन्होंने लोगों से बातचीत की है। और अब इसके बाद का जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक एक छोटी सी बैठक वो प्रदेश के नेताओं के साथ करेंगे जिसमें वो आगामी चुनाव को लेकर कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो उन सब बातों के लिए भी समय रिजर्व रखा गया है। उसके बाद 8:30 बजे के बाद उनकी वापसी होगी। बिल्कुल मोहन, और जिस तरह से मोहन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल बयान भी दिया था कि राहुल गांधी ट्रेन से ही बिलासपुर जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि ट्रेनें लगातार लेट चल रही थी इस वजह से उन्होंने कहा कि मैंने सलाह दी है कि वो ट्रेन से ना जाएं, वापसी भले ट्रेन से हो जाए, तो क्या ये राहुल गांधी की ही मंशा मानी जाए कि ट्रेन से ही वापसी वो रायपुर करना चाहते थे? हाँ बिल्कुल, देखिए उनकी कोशिश तो थी कि वो लोगों से ज्यादा बात करें, इसलिए जब यहाँ से वो ट्रेन में जाते हैं तो कार्यक्रम में हो सकता है लेट पहुँचते, इसलिए वापसी को ये तय किया गया कि वो ट्रेन से जाएंगे और इसीलिए ट्रेन से वापस आने का फैसला राहुल गांधी ने लिया। और इसके पीछे एक संदेश देने की भी कोशिश थी कि ट्रेनें लेट चल रही है, ट्रेन में लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है। एक तरफ वंदे भारत ट्रेन चला रही है सरकार बीजेपी की, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेन लेट है, परेशानी है, इन सब बातों को बताने के लिए भी ये यात्रा उन्होंने तय की थी और उस यात्रा के तहत लोगों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी रायपुर लौटे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मोहन आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर।